हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का मेरा रेसिपी है टमाटर का। मैं टमाटर से चटनी बनाने वाली हूँ, टमाटर का मीठा चटनी, जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और अभी टमाटर भी अच्छा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, 5 रुपये केजी मिल रहा है, तो अच्छा रहता है। बना के आप उसे रख दीजिए, तो आपका घर पर अगर सब्जी भी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, तो हम उसे रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं, पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं। अगर सुबह के नाश्ते में अगर कुछ नहीं है तो हम रोटी बना लें और पराठे बना लें, कुछ भी बना लें तो काम चल जाता है। सब्जी का हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि बनाए या रात को, कभी भी तो रहता है। तो सोचिए कि वो टेंशन फ्री रहता है आदमी कि सब्जी होना चाहिए, या फिर कोई अगर आ गया नहीं है तो झटपट आप बनाएँ थी और उसके साथ दे दें खाने के लिए, कुछ भी बनाएँ आप। और उसे आप कुछ तल के भी खा रहे हैं, जैसे कि कचौड़ी है या फिर कचरी है या समोसे है, तो वो सब के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है वैसे। तो देखिए, मैं इसे बना के मैं इसे रेडी की हूँ और मैं इसे डब्बे में रख दी हूँ और इसे फ्रिज में रख देंगे तो आराम से 1-1.5 महीने तक आप खा सकते हैं इसे। ये ख़राब होने वाला नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैं 1 केजी टमाटर ली हूँ और इसका जो सख्त वाला पार्ट रहता है ना, शुरू वाला, उसे काट के निकाल देंगे और बस इसे पतला पतला काट लेंगे, क्योंकि पतला काटेंगे ना तो ये जल्दी से गल जाएगा, मेल्ट होगा और जल्दी पकेगा ये, इसके लिए। और अगर आप ऐसे दो दो टुकड़ा करके डालते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और इसे पकने में समय लगता है, मतलब 30-40 मिनट लग ही जाता है इसे, क्योंकि इसमें टमाटर में बहुत सारा पानी होता है ना, तो उसे सुखाना पड़ता है, उसके बाद ही ये बनेगा। तो अगर आप सॉस बना रहे हैं इसका, टमाटर का केचप या सॉस, तो उसे आप पीस के बनाएंगे मिक्सर में, लेकिन मैं तो इसका खट्टी मीठी चटनी बना रही हूँ जो शादी ब्याह में मिलते हैं ना कचौड़ी के साथ खाने के लिए, तो कितना अच्छा लगता है, तो मैं वैसा वाला चटनी बना रही हूँ। तो बस इसे इसी तरह करके पतला पतला काट कर लेंगे और सभी को उसके बाद फिर इसे पकाएंगे। देखिए, इस तरह करके सभी को काटेंगे और ये सख्त वाला पार्ट को हटा देंगे। तो बस मैं चूल्हे पर बना रही हूँ, कोयले का जो चूल्हा होता है ना, पतल कोयले का, तो मैं आज उस पर बना रही हूँ, क्योंकि इसमें समय लगता है बनने में और अभी गर्मी भी होने लगा है, तो घर पे गैस पे बनाएंगे तो गर्मी लगेगा, तो बस इसके लिए मैं चूल्हा जलाई थी। तो चूल्हा हो गया था, तो तब तक मैं खाली जा रहा था ये चूल्हे, तब तक मैं इसको डाल दे रही हूँ, ये पकेगा तब तक, थोड़ा सा और जो बचा है उसको काट कर लेंगे उसका। तो बस इसको चला के ढक देंगे और जो बचा है उसको काट लेते हैं। तो बस इसको भी उसी तरह करके काटेंगे और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप लोग का बहुत सहयोग के ज़रूरी है। मैं नया नया चैनल स्टार्ट की हूँ, तो चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है आप लोग का लाइक शेयर का और सब्सक्राइब करने का, चैनल को आगे आप लोग बढ़ाएं। आप ही लोग का सहारा से मैं ये कर पाऊँगी, आगे मैं बढ़ पाऊँगी, मैं वही कहना चाह रही थी आप लोग से, क्योंकि चैनल स्टार्ट करना भी मेरा एक शौक़ तो आदमी का रहता ही है कि कुछ करे, आगे बढ़े दुनिया में आदमी, लेकिन कुछ मजबूरी भी है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल आगे बढ़े और मेरा जो घर का स्थिति है वो थोड़ा मैं ठीक कर पाऊँ, तो इसलिए आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप लोग मेरे चैनल को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो बेल का घंटी है ना उसे दबाएँ, ताकि मैं कोई भी आगे नया रेसिपी डालूं तो आप लोग तक सबसे पहले जाए पहुंचे। तो बस वो टमाटर गल रहा था, गल गया है थोड़ा, तो मैं इसमें गुड़ डालने वाली हूँ। तो 1 केजी मैं टमाटर ली थी, तो 1 केजी थोड़ा सा कम है,
3 पाव इतना है ये गुड़। तो मीठा आप जिस अनुसार खाना पसंद करते होंगे वैसा ही डालें। तो आप तो इसे गुड़ में बनाए या चीनी में, लेकिन गुड़ हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, चीनी को बहुत कोई अवॉइड करता है, तो इसके लिए मैं गुड़ पे ही बता रही हूँ बनाने के लिए। और मैं हमेशा अपने घर पे गुड़ पे ही बना के रखती हूँ तो इसके लिए। और बस इसको इसी तरह काट करके इसको मैं डाल देंगे। अब देखिए ये गल गया है पूरा, तो अब इसका थोड़ा पानी सूखने का इंतज़ार करेंगे। और मैं बीच बीच में चला ली थी इसको एक दो बार ढक्कन हटा के। बस इसमें गुड़ को डाल देंगे और थोड़ा पानी कम हो गया है, सूख गया है तो, और इसको मिक्स कर देंगे और इसका पानी सुखा लेंगे पूरा, जितना ठीक हमें रखना है उस तरह का इसे कर लेंगे। तो इसे डायरेक्ट हम तेल में छौंका लगा के नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये तो पानी इसको सुखाने में समय लगता है ना ज़्यादा। हो सकता है कि अगर ज़्यादा पानी वाला टमाटर है तो आपका 1 घंटा भी समय लग सकता है बनने में, तो इसलिए आप पहले इस तरह करके डाल दें। उसके बाद जब इसका पानी कम हो उसके बाद फिर इसे तेल के साथ छौंका लगाएंगे। तो मैं भी उसी तरह की हूँ। तो बस देखिए वो तैयार हो गया है। अब इसे कढ़ाई को चढ़ा देंगे, इसे गर्म कर लेंगे और इसमें तेल डालेंगे। तो आधा कटोरी तेल लिए हैं रिफाइन तेल, आप चाहें तो सरसों के में भी बना सकते हैं, लेकिन उसे थोड़ा जलने देना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि उसका थोड़ा कड़वापन है उसको दूर होने के लिए। तो बस इसमें 3-4 चम्मच तेल डालेंगे, थोड़ा तेल ज़्यादा डालेंगे अगर आपको ज़्यादा दिन तक रखना है इसे तो। और इसमें सौंफ डाल देंगे, जो कि मैं 1 चम्मच ली थी सौंफ, तो उसे डाल देंगे। और इसमें लाल मिर्च पाउडर डालने वाली हूँ मैं और जीरा पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर मैं 2 चम्मच डालूँगी और जीरा पाउडर 1 चम्मच। तो बस हो गया है, मैं सौंफ डाली थी वो थोड़ा सा लाल हो गया है। तो अब इसको सब डाल देंगे चटनी को इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और ये कैमरा मैन मेरा बेटा बना हुआ है और ये वीडियो को शूट कर रहा है। तो बस इसको इस तरह करके चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और जो मसाले हैं वो सबको भी डाल देंगे। बस बहुत सिंपल है। और आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अपना पसंद से, और इसमें नमक आप दोनों नमक डाल सकते हैं, ताकि नमक डालने में थोड़ा सा खट्टा मीठा अलग टेस्ट आता है। और नमक है ना गुड़ का बैलेंस और खटाई का बैलेंस को थोड़ा सा करता है। और मैं इसमें इलायची पाउडर डाली थी 1/2 चम्मच और ये मैं इसमें डाली हूँ किशमिश। आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, तो मेरे घर पे अभी नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो इसके लिए मैं किशमिश डाल दी हूँ। और थोड़ा आवाज़ भी आप लोग को कम लगता होगा या फिर थोड़ा अलग लगता होगा, तो मैं अभी रोजे में हूँ ना, तो इसके लिए थोड़ा सा आदमी दिन भर सहा हुआ रहता है, थोड़ा सा वीकनेस फील होता है, तो इसके लिए हो सकता है आवाज़ में मेरा थोड़ा सा अलग डिफरेंट होगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। तो बस सभी को डाल दिए, वो तो चटनी पहले से ही तैयार था तो अब तैयार हो गया है। तो बस आप लोग बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि मेरा रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कितना थिक है। तो आप लोग भी बस इसी तरह करके बनाइए। बस तैयार हो गया ये।